नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामाटुरटम भूतम तम नमामि शनेचरम। सुबह कई उम्मीदें लेकर आती है, नई नई स्कीमें भी दिन की शुरुआत से शुरू हो जाती है। देर तक सोने वाले स्कीमें बनाते हैं और जल्दी उठने वाले स्कीम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इन दो लड़कियों की भी एक स्कीम है, वो स्कीम क्या है इन्हीं से सुनते हैं। प्रिया, मैं दूध लेके किचन में रख देती हूँ और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ। ये सृष्टि है, मैंगलोर से आई है, अपनी विधवा माँ को पीछे अकेले छोड़कर। अब तो 2 मिनट में दूध ले लेती है। दूसरा, मैडम तो इतना इंतजार करवाती थी कि खड़े खड़े दूध फट जाता था। तो हर रोज एक ही बात करता है, किसी दिन मेरा गुस्सा फट गया ना। अब चल, मुझे चुगलखोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमरा बिल आज 1 तारीख है, पिछला महीना का पेमेंट 1449 रुपया। कल ले लेना। इट्स ओके, एज यू विश। ये प्रिया है, एक बड़ी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी है, बिना वजह कोई काम नहीं करती है। आप सोच रहे हैं ना, ये पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बनी? मैंने आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बहुत नाम सुना है, पर आप मुझे जॉब की क्या गारंटी देंगे? देखिए, जॉब की तो कोई गारंटी नहीं होती, पर हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खास ट्रेनिंग दी जाती है अपने बॉस की कमजोरी समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की। पता है, हमारे यहाँ 20% निकली लड़कियाँ अपने बॉस से शादी कर लेती हैं। तो मैं आपका फॉर्म भर दूँ मिस प्रिया? या, ऑफ कोर्स। ओम धनपति हस्बंडाय नमः। अरे क्या बात है प्रिया, जल्दी उठ गई और चाय भी बना रही है। डोंट वरी, तेरे लिए भी बनाई है। अरे वाह, एक बात बता, जब तुझे मॉर्निंग वॉक जाना ही नहीं होता तो तू ये सुबह सुबह ट्रैक सूट क्यों पहनती है? जॉगिंग की किसे पड़ी है, बस स्मार्ट लगने से मतलब है, और वो तो मैं वैसे ही हूँ। और अपनी तो लाइफ में बस एक ही पॉलिसी है, लुक स्मार्ट टॉक स्मार्ट एंड यू विल फाइंड स्मार्ट, व्हाट यू से? अरे यार, मेरी सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि मैं स्मार्ट लोगों का मूड खराब नहीं करती। नो कमेंट। एनीवे, तुझे याद नहीं, आज मेरी सैलरी का दिन है। तुम्हारा मतलब मिडिल क्लास के लोगों के लिए हर महीने की दिवाली का दिन। अरे यार, एक बात कहूँ तो बहुत लकी है, यू नो मुझे तो एक ढंग की जॉब भी नहीं मिलती। वैसे आई अग्री, एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब, ऊपर से इतनी अच्छी इनकम और कंपनी की तरफ से ये मकान कार और तुझ जैसी पेइंग गेस्ट। बाय द वे, कहाँ है मेरे इस महीने का किराया? 5,000 रुपए। प्लीज, आज नहीं यार, एक हफ्ते बाद ना। मुझे मालूम था तू यही कहेगी। वैसे तू भी मेरी तरह किसी की पर्सनल सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? तेरी ये महीने की कम से कम झिकझिक तो खत्म होगी। पर्सनल सेक्रेटरी, ना तो कोई कोर्स किया है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। छोड़ यार कोर्स वोर्स, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तुझे मैं ट्रेन कर दूंगी।
इनसे मिलिए। ये है मिस्टर गौरव जेटली। माँ के लाड प्यार ने निकम्मा बना दिया। स्वर्गीय पिताजी के कारोबार का बोझ उठाएं या फिर अपने अरमानों को पूरा करें, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, फंस गया उलझ गया मैं किस बवाल में, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्या करूं मुझे है क्या पड़ी, मुझे है क्या पड़ी के क्या बचाती है घड़ी, दुनिया जाए चांद पे मुझे है क्या पड़ी, मुझे है क्या पड़ी के क्या बचाती है घड़ी, आंख खोल सो या के नींद में चलूं, सो जागू जागू सो सोता ही रहूं, अपनी मर्जी का मैं मालिक हूँ हर हाल में, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, लग गई है वाट, चाहता था जिंदगी में ठाट सिर्फ ठाट, हाय रोज दस से पांच अपनी लग गई है वाट, चाहता था जिंदगी में ठाट सिर्फ ठाट, लोग मुझको कहते हैं कि मैं हूँ आलसी, काम पे है मस्ती करना मेरी पॉलिसी, काम वाम फालतू मेरे ख्याल में, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, सपनों और हकीकतों में जी रहा हूं मैं, जो नहीं था चाहता वो कर रहा हूं मैं, फंस गया उलझ गया मैं किस बवाल में, God, it's so hot. फैन, तू मेरा सच्चा फैन है, आंख मारते ही ऑन हो जाता है। मैं नहीं, ये फैन है, आंख मारने से ये ऑन नहीं होता, इसे स्विच ऑन मैंने किया है। ओह, यू आर रियली स्वीट हार्ट, थैंक्स। मैं तेरी इतनी तारीफ करती हूँ, तू सुन सुन के बोर नहीं हो जाती? नहीं यार, मैं बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अच्छा प्रिया, तुम
पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब पिछले 2 साल से कर रही हो ना? यू नो, टेल मी समथिंग, शुड आई नो, यू नो? एक एफिशिएंट सेक्रेटरी वो है जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बॉस से शादी कर ले और उसके बाद ये राग बोले, तन मन धन सब कुछ मेरा है स्वामी, सब कुछ मेरा है, तेरा मुझको अर्पण, अब क्या रहा तेरा। तो आ गई ना अपनी लाइन पे, तो तेरे वो बॉस को फंसाने के इरादे कहाँ तक पहुँचे? बॉस तो मेरे कंट्रोल में है, पर प्रॉब्लम है ना कि मेरा बॉस 60 साल का बूढ़ा है, शादीशुदा है, जिंदा वाइफ है और ऊपर से उसके 2 बड़े-बड़े लड़के हैं। तो तू उसकी वाइफ के मरने का इंतजार कर रही है? वेरी फनी, मैंने सुना है मेरे बॉस का छोटा लड़का बिजनेस ज्वाइन करने वाला है। अगर वो लवेबल नहीं है और दिखने में भी कुछ खास नहीं है तो इसमें प्यार की क्या गुंजाइश है? इट्स अ मैटर ऑफ रिलेशन, नो लव विदाउट रिलेशन एंड नो रिलेशन विदाउट लव। पहले रिश्ता बनता है, फिर प्यार होता है और फिर प्यार से रिश्ते निभाए जाते हैं। प्यार से रिश्ते निभाए जाते हैं, भाई वाह। पास आके देखा तो भी केले का छिलका था। ये तो बब्बर शेर है। अभी तो सुना। ठीक है। तेरी चूड़ियों की खनखनाहट से मेरा दिल झंझोर उठा, तेरी बुलबुल जैसी बोली से मेरा लंदन जाना छूट गया। वाह वाह। Good morning, Gaurav. 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 Huh? Good morning. यार ये राउंड बार ही नहीं हो रहा यार। अरे वो Siri कहाँ है? कितनी बार बोला है मेरे? हाँ। Sorry, फिर से लेट हो गया। हाँ। गौरव की कुछ पेपर्स हैं, साइन करने हैं। क्या प्रीति, तुम भी सुबह सुबह बोर करने आ जाती हो ना? सॉरी, ब्लैक से। ओके, ब्लैक से कर देता हूँ। मुन्ना। बदरा। क्या हुआ? आज मुझे घर से पिक करना था और मैं साथ में ऑफिस आने वाला था। मेरे दिमाग से निकल गया। I'm so sorry। ये तेरी पुरानी आदत है, हमेशा भूल जाता है। एक मिनट, तूने मुझे कल के लिए कहा था। आज के लिए कहा था यार। कल के लिए कहा था। गौरव झूठ मत बोल, आज के लिए कहा था। कल के लिए? आज के लिए कहा था। कल के लिए? आज। ठीक है, रहने दे, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। अगली बार तेरे ऑफिस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। आज क्यों है फिर? ओके बाय। देख मैं सच्ची जा रहा हूँ। बाय मुन्ना, सोच ले। टाटा मुन्ना। ये देख, ये देख। Mr. Gaurav? अरे हाँ यार। This gentleman has come to see you. अरे gentleman छोड़ो, एक चाय और बिस्किट। संजय जोशी। Tell him to wait ना। बुक कर कहीं का। Hello? Hello? जी जी जी, चाहिए। Loan चाहिए। हाँ, home loan। Let me ask you one thing. Do you know how to dance? Dance? हाँ तो ऐसा करो, आप मेरे ऑफिस आ जाओ। We'll have a dance. अगर आप अच्छा नाचे तो मैं आपसे लोन ले लूंगा, चलेगा ना? ठीक है। हेलो, लोन। ए, क्या है तू आलतू फालतू लोगों को भाव देता रहता है? यार तू ये सब मत कर, तू बस एंजॉय कर। व्हाट डू यू मीन एंजॉय कर? हाँ, इतना बड़ा बिजनेस छोड़ गया मेरा बाप, मरते हुए पता क्या बोल गया था कि बेटा 10 गुना नहीं, कम से कम 2 गुना कर लेना, और तू कह रहा है एंजॉय कर। मैं किसकी सुनूं, तेरी या बाप की? तू मेरी सुन। मेरे कहने का मतलब है तू अपने दिल की सुन यार। और बाप का क्या होगा? तेरे बाप की तरह से की। ए सॉरी, बिगड़ मत। देख यार, मैं ना तुझे 4S सॉल्यूशन देता हूँ। सिंपल सिंप्लीफाइड सॉलिड सॉल्यूशन। तू एक सेक्रेटरी रख ले। सेक्रेटरी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो करेगी जो तेरे पूज्य पिताजी चाहते थे। तेरे बिजनेस को डबल करेगी, ट्रिपल करेगी। देख यार, तेरे पापा ने कितनी मेहनत की, कितना सारा पैसा इकट्ठा करके दिया, सब बेकार जा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। इससे अच्छा तू उसे इस्तेमाल कर, एंजॉय कर और थोड़ा अपने दोस्तों का भी भला कर। हा? हा? और बाकी काम तो तेरा सेक्रेटरी संभालेगी, एक ऐसी सेक्रेटरी जो होनहार हो, जिम्मेदार हो, क्यूट हो,
सेक्सी हो। इंटरव्यू कॉल हाजिर। वेदर इज अ विल, देयर इज अ वे। ये बात तो ठीक है यार, पर जाना कब है? गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग। मे आई कम इन? ओह ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। थैंक यू। सर, दीज आर माय सर्टिफिकेट्स। ओके। मिस सृष्टि। यस। आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाया? यस सर, मैं एक फ्रेश कैंडिडेट हूँ। ओके। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि पर्सनल सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यस सर, पर्सनल सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, टू कंट्रोल तन, मन और धन। Excuse me? What do you mean? Sir, it means तन to take care of your appointments and मन take decision by your mind, not by heart, and धन to take care of your financial and investment decisions. Okay, वो तन मन और धन। I mean boss का तन मन और धन। Exactly. Good. So. What are your expectations from the job? Whatever as per company's policy, I'll accept it. Okay. Tell me something about your family background. My father is no more, sir. 2 saal pehle unki death ho gayi. Meri mama Mangalore mein, mere hometown mein akeli rehti hain. Oh, I'm sorry about your father. Lekin, aapko bhi apni mummy ko akele chhod ke nahi aana chahiye tha. I mean, aap मैंगलोर में भी जॉब कर सकती थी, आपकी मम्मी को अच्छा लगता है ना। बट एनीवेज, अब आप मुंबई आ ही गई हैं तो आई थिंक यू परफेक्ट फॉर द जॉब, यू हायर्ड। थैंक यू सर। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से। और आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी खुद ही लिखना पड़ेगा, इज दैट ओके? या वो तो मैं अभी भी लिख सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। या श्योर, मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ। There you go.
ये बेसिक फॉर्मेट है, सैलरी मेंशन कर दी। ओके। और हाँ, मेरी एक और ड्यूटी है सर। अच्छा, क्या? मुझे आपकी गर्लफ्रेंड के फोन रिसीव करने हैं और वाइफ के कॉल इग्नोर करने हैं। डोंट बॉदर, ना तो मेरी कोई वाइफ है और ना कोई गर्लफ्रेंड। थैंक गॉड। थैंक गॉड? नो नो, आई मीन थैंक गॉड फॉर द जॉब एंड थैंक यू। आप शायद ऑफिस के पियोन हैं? हाँ जी मैडम, मेरा नाम रवि है। गुड, मेरा नाम सृष्टि है। अच्छा। मैं आपके बॉस की नई सेक्रेटरी हूँ। ओह हाय। हाय, आई एम सलोनी। ग्रेट, आई एम सृष्टि। सो हाउ डू यू फाइंड द ऑफिस? या इट्स नाइस। गुड, एंड बाकी सब कहाँ है? अभी आते ही होंगे, पिंकी भी आती होगी। पिंकी? या ग्रेट। हाय बोथ ऑफ यू। हाय। हाय। अरे सलोनी, मैंने कुछ सुना है। लाइक ग्रेट, व्हाट्स दैट? इट्स यू यार। मी? या, यू आर ग्रेट। सृष्टि, शी इज पिंकी द ग्रेट। ओह हाय, आई एम पिंकी। आई एम सृष्टि। गुड, आई हैव जस्ट रीच ऑफिस। मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। या बाय। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। हे सृष्टि, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लिटिल एम्पायर। और मैंने सुना कि अभी-अभी आपने मुझे गौरव सर बोला। देखो यहां पे कोई किसी को सर नहीं बोलता, सब उसको उसके नाम से बुलाते हैं। कहां गई? गुड मॉर्निंग गौरव। हाय। देखा? राइट रागिनी? यस। राइट सलोनी? राइट गौरव। राइट महेश? कम ऑन, लेट्स गो। सृष्टि, नाउ दैट यू हैव जॉइंड द कंपनी, आई बी रियली फ्रैंक विद यू, मैंने कभी भी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रखी। अच्छा, लेकिन आई एम श्योर कि तुम जानती हो कि क्या करना है और क्या नहीं, राइट? मैं किसी भी तरह की ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, ये फोन कॉल्स, विजिटर्स, कुछ भी नहीं। हाँ, मोबाइल से काम चला लूंगा। लेकिन मैं आपको हर एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट तो कर सकती हूँ ना? हाँ, अगर आपको लगे तो करो, बस मुझे बोर मत करना। ये मेरा काम है सर। मुझे बोर करना? अब हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय सबके लिए। थैंक यू। हाय, इट्स फॉर यू। थैंक यू। हाय। हाय, तुम्हारे लिए। थैंक यू विनय जी। एंड टेल मी, व्हाट्स न्यू? न्यू न्यू इज दैट कि गौरव जी की नई सेक्रेटरी आई है। क्या बात कर रही हो? या कहाँ है? जस्ट आपके पीछे। वाह, ऑसम। व्हाट्स दिस? बाद में। ओह गॉड, कांट बिलीव दिस। हाय विनय, विनय पाठक, तुम यहाँ की नई सेक्रेटरी हो, राइट? या मैं गौरव का बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि, सृष्टि शेट्टी। सृष्टि शेट्टी? ओह या, सृष्टि शेट्टी, नाइस। बहुत सुंदर नाम है, जैसा नाम वैसा चेहरा। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, एनीवेज मैं अंदर जाता हूँ एंड I'll see you around. Bye. Oh my God. कोई भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, कहीं भी चला जाता है। ये तो राम भरोसे होटल है यार। It's too much. मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आँख का तारा, और कोई कहे चांद कोई आँख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे।
अच्छा न लगे, हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, मम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा, अरे कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, है कोई गैस चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला, है कोई गैस चूल्हा, चलो एटीएम से कैश हम निकाले, चीज बर्गर आइसक्रीम पिज्जा विज़ा खा ले। चलो एटीएम से कैश हम निकाले, चीज बर्गर आइसक्रीम पिज्जा विज़ा खा ले। बंद करो रोटियों का माँ ये झमेला, मम्मी कुछ कह न सकी, बस उसे तकती रही, हंस के फिर कहने लगी, आइडिया बुरा नहीं। मम्मी कुछ कह न सकी, बस उसे तकती रही, हंस के फिर कहने लगी, आइडिया बुरा नहीं। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा। अरे कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा, अरे कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा। क्या थी आगे की लाइन? अरे भूल गया यार। यस सृष्टि, आज कोई फेस्टिवल है क्या? है ना, आप जिस ऑफिस में आई हैं तो फेस्टिवल ही हुआ ना, है ना? सृष्टि आप अपने काम पे ध्यान दो और हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। एक्चुअली जस्ट हैविंग सम फन। अच्छा वो अकाउंटेंट को बोल के 1 लाख का चेक, राइट? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख का चेक। ऑन व्हाट अकाउंट सर? फ्रेंडशिप अकाउंट। तूने फेसबुक का स्टेटस चेक किया क्या? हाँ यार, फ्रेंडशिप अकाउंट, फ्रेंडशिप अकाउंट। ओके, इसको जानता है तू? आइला, अरे हाँ, अरे इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, तुझे भी भेजा क्या? मेरी बिजनेस फ्रेंड है यार। क्या बात कर रहा है यार, बहुत अच्छी है यार। आइला, ये कौन है? ओह हॉट है यार। अरे तेरा ऑफिस तो कमाल है, धमाल है, मनोरंजन की दुकान है। इट्स नॉट सो फनी। इट इज फनी। विनय बजाता है और गौरव नाचता है, तू क्यों टेंशन ले रही है? हाँ है मुझे टेंशन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, है तेरे पास कोई जवाब? छोड़ ना यार, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो पता है क्या सीन होता? विनय बजा रहा है, बॉस और मैं डांस कर रहे हैं। सीरियसली 10 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी का कार्ड मैं तेरे हाथ में दे देती। तू है ना हर बात पे अपने अरमान फिट कर लेती है। तू मुझे यूँ घूर के मत देख। तो क्या चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाऊं? अरे नहीं यार, तू अपनी आंखों का टैलेंट मुझ पर ना बर्बाद किया कर। तुझे एक बात बताऊं, तू अपने मुंह से ज्यादा आंखों से बोलती है, इसका प्रॉपर यूज कर। एक तो विनय को डराने के लिए और दूसरा गौरव को पटाने के लिए। यार लोगों को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मॉर्निंग, मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौरव। यार मुंबई का ट्रैफिक और मुंबई की बारिश, टेल यू। मॉर्निंग सृष्टि, एनी मैसेजेस? नो गौरव, नॉट येट। ओके, मॉर्निंग, मॉर्निंग, हाय, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। As usual, late. Sorry. तू आज पूरा अमिताभ बच्चन लग रहा है यार। मजाक कर रहा है तू? पोपट बना रहा है मेरा? यार मैं तेरा पोपट बनाऊंगा? तू आज अमिताभ बच्चन लग ही नहीं रहा है, बिहेव भी बिल्कुल वैसा कर रहा है। सच में? हाँ। अरे तुझे वो दीवार का सीन याद है जब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर मिलते हैं और अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहता है, भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? हाँ वो मेरा बाप चोर है वाला। हाँ याद है ना, वो सीन करें? ठीक है। हाँ लेकिन थोड़ा अलग करेंगे। हाँ मैं शशि कपूर के डायलॉग बोलूंगा, तू अमिताभ बच्चन के डायलॉग बोल। ठीक है लेकिन अलग कैसे? अरे तुझे समझ आ जाएगी, बस रेडी? ठीक है एक्शन। ओके, अरे रोल तो बोल यार। रोल, भाई भाई तेरे पास
तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, भाई मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास भाई? तेरे पास तेरे पास माँ है। हाँ यार, तेरे पास तेरे पास तेरे पास माँ है यार। तू बहुत लकी है यार, तेरे पास माँ है, तेरे पास माँ है यार। मेरे पास माँ नहीं है यार, एकदम अकेला हूँ यार मैं तो। मॉम अब क्यों चले गए पापा के पास? मॉम क्यों? मॉम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मॉम क्यों मेरे घर पड़ गया? मॉम मैं अकेला पड़ गया। मॉम मैं कल अकेला पड़ गया। गौरव गौरव मैं हूँ ना यार, मैं हूँ ना तेरे पास यार, तू रो मत यार। Excuse me. तुम्हें शायद पता नहीं, गौरव का इस दुनिया में कोई नहीं है। अंकल अंकल एक बाथरूम डांसर थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे। एक दिन बाथरूम में डांस करते करते फिसल गए और उसी वक्त दुनिया से उठ गए। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। आंटी को हमेशा यही टेंशन लगी रहती थी कि कहीं गौरव भी एक दिन अंकल की तरह, और तुम्हें तो पता है गौरव को डांस का कितना शौक है। वही हुआ एक दिन। ठीक उसी वक्त आंटी कमरे में एंटर हुई। ये क्या कर रहे हो बेटा? जैसे ही वो एंटर हुई गौरव फिसल कर गिर गया, और जैसे ही आंटी ने वो देखा आंटी का हार्ट फेल हो गया। बेचारा गौरव। सॉरी गाइस, सॉरी। तू जानता है ना विनय, मॉम की बात आती मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। आई एम सॉरी। मैं हूं ना तेरी जिंदगी में? हाँ भाई तू ही तो है बस एक, तुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स। अच्छा यार गौरव, कुछ पैसों की जरूरत थी यार। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने दुबे जी से बात की। हेलो दुबे जी, वो रवि। अच्छा आ गया, थैंक यू। लीजिए। थैंक यू रवि, वेलकम। थैंक यू। ये ले आज की डेट। दुबे जी ये फ्रेंडशिप अकाउंट क्या है? क्या है कि मैडम, एक जमाने में इसे हेल्प कहते थे, आजकल इसे टोपी पहनाना कहते हैं। अभी तक कितने की टोपी पहना दी है? यही तकरीबन टोटल 24 लाख और आज की एक मिलाकर 25 लाख, और आप चुपचाप देते रहे। अब बॉस से हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? तो आप घर भोग कर तमाशा देखने वालों में से हैं? आग में जलकर अपनी चमड़ी जलवाना किसी को पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो आप जलवा सकती हैं। मैं तुम्हारे जैसी कायर नहीं हूँ। Just wait and watch. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बिजनेस हाउस में नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में काम कर रही हूँ। कल गाने और म्यूजिक का प्रोग्राम था और आज ड्रामा। असल में विनय की कंपनी, आई मीन विनय की दोस्ती एक ड्रामा है। What do you mean by drama? विनय किसी न किसी तरह से उसे उसकी माँ की याद दिलाता है, इमोशनल हीलिंग के डोज देता है, और उसके बदले बड़ी बड़ी फीस ले जाता है। दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं यार।
अरे यार तो तू मम्मी मम्मी खेलना शुरू कर दे। तो पागल तो नहीं हो गई है? देख तेरे बॉस की कमजोरी है उसकी माँ जिसे वो मिस करता है, इसका फायदा उठा रहा है विनय। अगर तू अपने बॉस की माँ बनकर उसका ख्याल रखेगी तो जिंदगी भर तेरा बॉस तेरा ख्याल रखेगा, इसलिए प्रोटेक्ट बॉस। अगर इसमें तू कामयाब हो गई ना तो समझ ले जिंदगी भर के लिए खुद प्रोटेक्ट हो जाएगी। प्रोटेक्ट? तू एक काम कर, कल अपनी कंपनी की बैलेंस शीट लेकर आ जा। गौरव, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, आई विल अप्रिशिएट अगर तुम पढ़ लो तो। अच्छा देखो, रिपोर्ट तुमने बनाई है तो तुम ही पढ़ो, मैं सुनता हूँ, टेल मी। तो क्या हिलते डुलते सुनोगे? प्लीज व्हाई डोंट यू कम एंड सिट। ओके, हैप्पी? इंसान अपनी मर्जी से हिल डुल भी नहीं सकता। गौरव तुम्हें नहीं लगता कि काम की बात को कभी सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स यस, लेकिन इट्स सो बोरिंग यार। आपको बोरिंग लगता है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की ये हालत है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। और क्या है आपका अंदाजा? गौरव, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय टेक्स एवरी सीरियस थिंग लाइटली, और इसका कारण हो तुम खुद, क्योंकि तुम हर बात को लाइटली लेते हो। जैसे कि अभी अभी तुमने कहा इट्स बोरिंग। क्या करें, बोरिंग है तो है। इसीलिए तुम अपने ऑफिस को डांसिंग फ्लोर की तरह यूज करते हो। तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में चल रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये कंपनी बंद हो जाएगी, तुम्हारा घर बार सब चला जाएगा और तुम रास्ते पे आ जाओगे, नाचते नाचते भीख मांग रहे होगे और हो सकता है किसी डांस बार में नाच रहे होंगे और तुम्हारा दोस्त विनय तुम्हारे ही पैसे तुम पर उड़ा रहा होगा। ओह शिट। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम सारा का सारा काम स्टाफ के भरोसे करना चाहते हो। अरे पर स्टाफ तो हम इसीलिए रखते हैं ना कि वो काम करे और हम आराम करें, सैलरी भी इसीलिए देते हैं ताकि वो काम करे और हम एंजॉय कर सकें। माय गॉड। गौरव समझो, गौरव इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी है। ये देखो कंपनी की बैलेंस शीट, पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में जा रही है। गौरव प्लीज, अगर कंपनी को बर्बाद होने से बचाना है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ऑफिस टाइम से आओ और ये जो फालतू के विजिटर्स है ना इनको अवॉइड करो। हाँ सृष्टि, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। ये रिपोर्ट पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कितना गलत हूँ। थैंक यू। मेरी एक शर्त है, तुम ये विनय की दी हुई लॉलीपॉप जूस ना प्लीज बंद करो। Bye-bye. Take care.
अचानक मेरे ऑफिस में? ग्रेट यार, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, ये सरप्राइज विजिट ही है। मैं ये देखने आई हूँ कि मेरी लॉर्डली इतना बड़ा ऑफिस कैसे संभाल रही है। बाय द वे, तेरे बॉस का केबिन कौन सा है? मेरे बॉस का केबिन वहाँ है। एक बात बता, सारे सवाल खड़े खड़े पूछेगी या बैठेगी भी? कितने दिनों बाद पहली बार मेरे ऑफिस में आई है। अरे यार सृष्टि, तू तो बहुत लकी है यार, इतना बड़ा ऑफिस और इतना हैंडसम बॉस, ऊपर से ये कुंवारा भी है। ओह गॉड, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रही है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने अपने प्यार के प्रोसेस की शुरुआत की या नहीं? प्यार का प्रोसेस, ये क्या है? देख, तूने मुझे बताया था ना कि तेरा बॉस अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है। तो ममता क्या है? वही लविंग, केयरिंग, शेयरिंग एंड सैक्रिफाइस, यही तो है प्यार की पॉसिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने की शुरुआत, यानी प्यार पॉसिबल। वैसे भी हर एक को बच्चा बने रहना काफी अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, चार चार एलिमेंट्स, एक बेचारी लड़की कैसे संभालेगी यार? फिलहाल तो सिर्फ लविंग और शेयरिंग पे कंसंट्रेट कर। सफरिंग और सैक्रिफाइस, कुछ तो उसके लिए भी छोड़ देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर विनय, हाय, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। व्हाट? तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे अंदर जाने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं गौरव को इन्फॉर्म करती हूँ। क्या? गौरव, विनय आया है, कैन आई सेंड हिम? ओके, या नाउ यू कैन गो। गौरव, ये तेरी सेक्रेटरी क्या पागल हो गई है? मुझे कह रही है कि आई कांट एंटर विदाउट एडमिशन एंड परमिशन, व्हाट इज दिस? तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है। ड्यूटी? अबे यार, ड्यूटी गई भाड़ में। हम दोनों ने सेक्रेटरी क्यों रखी थी? ताकि कोई हम दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके जब विजिटर्स आए। देख गौरव, इसको समझा दे, अगली बार ऐसा ना करे, वरना। वरना क्या? क्या यार ये, समझा इसको। देखो शशि, अगली बार जब मैंने ऑफिस आए तो उन्हें, तो मैंने कह दूं कि ये यहां पर वापस ना आए। देखो विनय, अब मुझे वही करना चाहिए जो सृष्टि चाहती है, मेरे बिजनेस ग्रोथ के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। गौरव, गौरव ये तू क्या कह रहा है यार? ठीक है, तेरा बिजनेस तू संभाल और तेरी ये सेक्रेटरी तू ही संभाल। अच्छा यार, वो मुझे 2 लाख की जरूरत है, एक चेक लिख के दे दे प्लीज। वो मिस्टर विनय, आप 25 लाख रुपए पहले ही गौरव से ले चुके हैं और हमारा हक बनता है कि हम आपसे रिकवर करें, तो आप रिकवरी प्रोसेस के लिए तैयार हैं? What? गौरव ये क्या बोल रही है यार? And this is for you. मेरी और गौरव की तरफ से। प्लीज प्लीज। समझा। ठीक है गौरव, तू संभाल अपने बिजनेस को और अपनी सेक्रेटरी को। रिलैक्स गौरव, प्लीज। ओके, हैव इट, डोंट टेक टेंशन प्लीज। या आई एम गुड डैड। अगर 10 गुना ना से तो आपका बिजनेस डबल जरूर करूंगा, आई प्रॉमिस। पहली दफा है जो हो रहा है दिल किसी पे फिदा, पहली दफा है जो हो चला है दिल मेरा किसी का, तुम बन गई हो मेरे जीने का आसरा,
गई तो मुझ में आया है हौसला। ओ खुदा तेरा शुक्रिया, तूने सुन ली मेरी दुआ, मुझको भी तूने दे दी है जीने की एक वजह। वही है हूबहू जिसकी थी जुस्तजू, जो ख्यालों में थी, नींदों में ख्वाबों में, महके गुलाबों में, जो सवालों में थी। कैसे करूं बयां, क्या मुझको है मिल गया, कहां जा रहा था मैं और मैं हूं कहां आ गया। तेरा शुक्रिया, तूने सुन ली मेरी दुआ, मुझको भी तूने दे दी है जीने की एक वजह। अनछुई आंखों में ख्वाबों का मेला है, मस्ती सी छाई है, खामोश सांसों में नई उमंगे हैं, नई सी अंगड़ाई है। एहसास हो रहा है बदली है मेरी जिंदगी, मुझसे लिपट गई है अजनबी सी कोई खुशी। तेरा शुक्रिया, तूने सुन ली मेरी दुआ, कुछ कभी तूने दे दी है जीने की एक वजह। क्या कर रहे हो तुम? ओ, एक किल ठोक रहा था। किल इससे ठोका जाता है? क्या है ये? पत्थर। अगर इसको यहाँ पे ढंग से लगाना है तो इसके लिए हथौड़ी चाहिए। हाँ। गुड मॉर्निंग। हो गया। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो रहा है? कैन आई हेल्प? नो नो, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मेरे मुन्ना, कैसे हो? ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। देखो, मेरी खुशी भगवान के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में। मेरे हाथ में? वो कैसे? देखो सृष्टि, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम मेरे साथ बिताओ। ज्यादा से ज्यादा? You mean overtime? Oh God, not overtime. I mean सारा दिन। सारा दिन? Oh my, सारा दिन तो वैसे ही ऑफिस में रहती हूँ मैं। देखो मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सारा दिन साथ में। No personal talk in office. Please, that's like my boy. Bye bye. तुम समझती क्यों नहीं? कैसे करूं शादी की बात? तुम्हें पता है? गौरव की आंखों में कुछ दिखता है। क्या दिखता है? वही जो उसके दिल में है। और तेरा क्या हाल है? पता नहीं। तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन चली जा। वो किस लिए? दूर रहेगी तो तुझे दर्द दिल का एहसास होता है या नहीं पता चल जाएगा। तू ही मुझे बता, मैं उसे क्या बोलूं? ओह गॉड, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है? आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। लेकिन सृष्टि, वो क्या तुम नौकरी छोड़ के जा रही हो? अरे नहीं, थोड़े दिन के लिए तो जाना है। थैंक गॉड। अरे हाँ, लेकिन जाओगी कैसे? ट्रेन से। नो वे। लिसन, मैं तुम्हारी टिकट कराता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गौरव, आई कांट अफोर्ड। सो ये सब तुम छोड़ दो। ओके, आई विल पे फॉर इट, रिलैक्स। बट इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम गौरव, प्लीज। देखो सृष्टि,
एक बात याद रखना, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं है, मेरी भी है। सो रिलैक्स। थैंक्स फॉर कंसर्न, प्लीज गौरव, मुझे ट्रेन से ही जाना है। ठीक है भाई, तुम्हारी जिद के आगे तो मेरी नहीं चलेगी। आज शाम को तुम्हें घर छोड़ दूंगा और कल स्टेशन पे। इज दैट ओके? या थैंक्स। एंड डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था कि प्लेन से जाना चाहिए था, मुझे भी अच्छा लगता, तुम ठीक ठाक पहुंच जाती। परेशानी उठाने की आदत जो है तुम्हें। लो ये रहा तुम्हारा C3 सीट नंबर 2। हाँ यही है शायद, यही है। देखो अपना ख्याल रखना और ये रोना बंद करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी मम्मा मतलब मेरी मम्मा, आई एम श्योर उन्हें कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन। मुझे एक और टेंशन हो रही है। क्या? तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? मैं पहले भी मैनेज कर लेता था ना, अब भी कर लूंगा, लेकिन सच बताऊं तो मैं मिस बहुत करूंगा। तो मुझे फोन कर लेना, और रोज भी फोन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। करूंगा। बाय बाय, मम्मी को प्रणाम देना। टेक केयर। टेक केयर। बाय। सॉरी गौरव, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने तुम्हें मैंगलोर जाने की सही वजह नहीं बताई। छोड़ के कितनी लापरवाह है। अरे अम्मा किधर थी तू? अरे बेटा तू? अम्मा मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। कल फोन किया और तू आज आ गई, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है अम्मा, बस तेरी याद आ गई, भागकर आ गई। तभी तो मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, इसीलिए दरवाजा खुला छोड़ा था। अच्छा चल ठीक है, ये काम बहुत हो गया, छोड़ना, इधर बैठ ना अम्मा। क्या बैठ ना? अरे तू देख ना, मैं तेरे लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। क्या जरूरत है ये सब की? कुछ नहीं होता अम्मा, देख। अरे इतना खर्चा करती है, इन सब की जरूरत थी क्या? बस खर्चा करती ही जाती है। कितनी साड़ियाँ है घर में और लेकर आई। अम्मा देखो, आप पंजाबी हो और पापा मैंगलोरियन, आपको पता है आपका मुझ पर इतना असर है कि किसी को लगता ही नहीं कि मैं मैंगलोरियन हूँ, सब मुझे पंजाबी समझते हैं। क्यों ना मैं आपके लिए पंजाबी दमा ढूंढ लूँ? कहना क्या चाहती है तू? अरे कुछ नहीं अम्मा, देखो मेरी जो मासी थी उनकी अरेंज मैरिज हुई और उन्होंने फिर से उसको तोड़ के भाग कर किसी और से शादी कर ली, और अब इतनी सयानी थी कि आपने किसी को ये मौका ही नहीं दिया, पहले ही भागकर शादी कर ली। क्यों ना मैं भी अपने कोई भाग के शादी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लड़का मैं तुम पर फोर्स नहीं करूंगी, जिससे शादी करना चाहती है उससे शादी कर ले, बस तेरी शादी कर दूं तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। सृष्टि मैं तुम्हें फोन करने वाला था, ठीक ठाक पहुंच गई? Yes, I have reached. और कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। ओके, और अब मम्मा कैसा फील कर रही हैं? अब तो वो ठीक है, actually you know she was missing me, but now she's feeling better. ओह, अच्छा क्या मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर सकता हूँ? Sure, क्यों नहीं, लेकिन एक बात बताओ, मेरी अम्मा सिर्फ कन्नड़ बोलती हैं, तुम क्या कन्नड़ समझते हो? ओह नो, फिर ऐसा करो कि तुम ही मेरी तरफ से उन्हें नमस्ते कह देना, कहोगी ना?
श्योर। ओह, इट्स लंच टाइम। तुम लंच के लिए क्या कर रहे हो? आई एम रियली वरीड। इज इट? सच में तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? पता है, तुम अपने हाथ से इतने प्यार से खाना खिलाती हो। आई एम मिसिंग यू नाउ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब जब तुम यहाँ नहीं हो तो क्यों ना मैं रागिनी के हाथ से खाना खा लूँ। कम ऑन गौरव, तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो तुम्हें खिलाने के लिए कोई चाहिए? प्लीज ये बचपना छोड़ो। Why don't you grow up? अरे पर तुम ही तो मुझे बोलती रहती हो, मेरा मुन्ना, मेरा राजा बेटा, तो मुझे अच्छा लगता है। Oh my God, ये बच्चा मेरी जान लेकर रहेगा। करो करो, मुन्ने बनकर मजे लो। मैं जब वहाँ आऊंगी ना तब तुम्हें बताऊंगी। अरे listen, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, okay? In fact, मैं बाहर जा रहा हूँ होटल में खाना खाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, पूछो। तुम सचमुच मेरे लिए इतनी पॉसेसिव हो? I care for you. And I love you. Okay. अच्छा लगा ये सुन के। Okay. Bye. See you. मेरे मुन्ना. Take care. अच्छा हूँ। और मम्मी पापा कैसे हैं? पापा मम्मी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तुम्हें याद करते रहते हैं। मुझे मिलना है उनसे। पापा मम्मी से? ठीक है, लेकिन अभी पापा मम्मी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। उनको मेरी शादी की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है। अरे बच्चों की शादी की फिक्र माँ बाप को नहीं होगी तो और किसको होगी? तुम्हें पता है मेरी माँ का तो जवाब नहीं, वो मुझे कहती है तुझे जहाँ शादी करनी है कर, बस मुझे इनविटेशन कार्ड भेज देना ताकि मैं आशीर्वाद देने आ जाऊं। सही है। तो क्या सोचा तुमने? सोच रही हूँ। और तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? अप्लाई किया है काफी जगह मैंने, हो सकता है शायद तुम्हारे मुंबई में मुझे इंटरव्यू देने आना पड़े। डोंट टेल मी। Really? Oh my God! I can't believe. हमेशा तेल लगाना चाहिए। नहीं समझेगी। अम्मा? देख तू भी एक माँ है। और एक वो मासी संध्या, जो प्रिया और अपने पति को छोड़ के अपने लवर के साथ भाग गई। संध्या को किसी से प्यार हो गया, इसीलिए वो अपने पति और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा, जो हम दोनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लगता है भगवान को उनसे बहुत ही प्यार हो गया था। ये प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना अम्मा, मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे तेरे क्या, भगवान के भी समझ में नहीं आता। हेलो सृष्टि, मैं बस उठने ही वाला था ऑफिस जाने के लिए। क्या कहा तुमने? तुम उठने ही वाले थे? जल्दी जल्दी उठो और ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें टाइम पे जाना है। अरे उठता हूँ बाबा, उठता हूँ। तुम्हें पता है आज बहुत स्पेशल डे है? हाँ हाँ मुझे पता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुमने तो मुझे बताया नहीं। अरे बाबा कैसे बताता, वो भी इस हालत में जब तुम्हारी मम्मी बीमार है। और परेशान नहीं करना चाहता था तुम्हें। तुम कितने सेंसिटिव हो ना, कितने केयरिंग हो। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ तुम्हारी इस फीलिंग के लिए, यू रियली अ स्वीटहार्ट। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अपनी लाडली बेटी से मिलकर अब मम्मा कैसा फील कर रही है? हाउ इज शी? हाँ हाँ अम्मा बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है अम्मा ने क्या बोला, कि तुम जब तक यहाँ हो तब तक अपने हाथ से खाना बना के खिलाओ। उन्हें डर है कि मैं शहर जाकर खाना बनाना भूल जाऊँ और शादी के बाद प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ हंस लो। नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? बनाने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें खाना खिलाना बहुत अच्छे से आता है। हाय नॉटी। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से क्या लाऊं? तुम कुछ मत लाओ, पर जल्दी आ जाओ प्लीज। गौरव गौरव मैं बाद में बात करती हूँ, अम्मा आ गई।
किससे बात कर रही थी? कोई नहीं अम्मा, मैं गौरव बॉस से बात कर रही थी। बॉस को नाम से बुलाती है, शर्म है कि नहीं? कुछ तो तहजीब रख। इधर मेरे लिए आई है ना, तो चल मुझसे कुछ तो बातें कर। सुबह से फोन पर लगी रहती है, बॉस ने तो तुझे सर पर चढ़ा रखा है। देखो शहर में संभल कर रहना पड़ता है, लापरवाही ठीक नहीं है, समझो। तेरे लेकर जागे, हाय हाय हाय, जाग जाग से आंखों में ख्वाब तेरे लेकर जागे, हाय हाय हाय। जाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके, चैन खोया दर्द पाया, हाय हाय हाय। खुद की बात नहीं हो पाती है, पता नहीं था रब खैरिया। मैं रोज करूँ शुक्राना, तुझ जैसा मिला दीवाना, तेरी बाहें मेरी दुनिया, तेरा दिल मेरा ठिकाना। जाने क्या किया है तुमने यार तुमसे मिलके, चैन खोया दर्द पाया, हाय तेरे लेकर जागे, हाय हाय हाय। धड़कन गुनगुनाती है,
पता नहीं था रब्बा खैरिया, हर सांस में मुझको याद तेरी तड़पाती है। पता नहीं था रब्बा खैरिया, मैं भी ना जानूं क्या है ये प्यार का फसाना, मुझको तो हर हालत में था अपनी मंजिल पाना। जाने क्या किया है तुमने यार, तुमसे मिलके चैन खोया दर्द पाया। हाय हाय हाय, जिंदगी से नहीं है गिला, मुझको तुम जैसा हमदम मिला, और अब चाहिए मुझको क्या। जागी सी आँखों में ख्वाब तेरे लेकर जागे, हाय हाय हाय। जाने क्या किया है तुमने यार, तुमसे मिलके चैन खोया दर्द पाया। हाय हाय हाय, ये सब क्या बना टेबल पे? हाँ गौरव, ये सब गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं। देखो, टेंडर कोकोनट्स। तुम मेरे लिए मैंगलोर से ये पानी वाला नारियल लेके आई हो? ऑफ कोर्स गौरव, देखो ये बिल्कुल फ्रेश है। ये हमने घर के आंगन से तोड़े हैं। तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने अपने देख रेख में चुने हैं, और मैंने खुद तोड़े। पता है उन्होंने क्या कहा? ये तोड़ो, वो तोड़ो, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, वो तोड़ो। सिर्फ तुम्हारे लिए खुद नारियल। क्या तुमने खुद नारियल? तुम पागल हो गई हो? अरे 15-15 रुपए के मिलते हैं मुंबई में, तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। ओके बाबा, ओके आई प्रॉमिस। तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं अपने लिए एक भी ना रखूं। तुम जानते हो ये स्वीट मेरी मम्मा ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वाओ, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मतलब इसमें से तुमने कुछ भी नहीं बनाया? हाँ हाँ, और देखो ये केले के चिप्स, तुम्हें पता है हमारे घर के आंगन में जो पेड़ लगे हैं ना, उसमें से मेरी माँ ने इतनी मेहनत से बनाए हैं। ये भी मम्मी ने किया, ये भी, मतलब तुमने कुछ नहीं बनाया मेरे लिए, राइट? हाँ, अम्मा ने बोला कि अगर मैं बनाऊंगी तो सब खराब कर दूंगी। ओके, और तुम मेरे लिए कुछ लाई भी नहीं? लाई हूँ ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। वाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा है, वेरी नाइस। किसी दिन इसे पहन के ऑफिस आऊंगा जरूर। गुड, ये देखो ये भी गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू। दैट इज सो स्वीट। एक बात बताऊं, ये लाफिंग बुद्धा मैं ऑफिस के लिए लेकर आई हूँ, ताकि तुम इसे ऑफिस के टेबल पर रख सको। थैंक यू। तुम मेरा और मेरे ऑफिस का कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें पता है कि मैं इसे क्यों लेकर आई हूँ? क्यों? अरे मैं हमेशा थोड़ी ना यहाँ रहूंगी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हें इसे देखकर मेरी याद आए। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, मुझे तुम खुल के बताओ प्लीज। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मतलब मैं अपने ऑफिस के बारे में क्या अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकता तुम्हारे बिना, और तुम कह रही हो कि तुम मुझे छोड़ के जा रही? काम डाउन गौरव, तुम खामा का बात को सीरियसली ले रहे हो। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। तुमने यूं ही कह दी इतनी बड़ी बात? हाँ। गॉड, मतलब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, और मुझे छोड़ के जाने की बात कह दी। ओ मेरे मुन्ना मुन्ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो। सुनो, काम डाउन, जस्ट ट्रस्ट मी। देखो तुम्हें पता है ये मैं क्यों लाई हूँ? तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ मैंगलोर में जब एंगेजमेंट होती है ना, तो लड़का इसको पहनता है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, जब जब हमारी एंगेजमेंट होगी ना, तो तुम इसको पहनना। Are you serious? Yeah. I love you. What a mess! ये तूने रूम का क्या हाल बना दिया है? My God! ये क्या है क्या ये?
ऑफिस जाने में जल्दी थी। मैंगलोर से मैं गौरव के लिए कुछ चीजें लाई थी। मैंगलोर से? पर इसमें तो मुंबई का एड्रेस है, किसे बेवकूफ बना रही है गौरव? अरे रे 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 रे। मैंने गौरव को बोल दिया है कि ये जो ड्रेस है ना, मैं मैंगलोर के सबसे फेमस शॉप से लेकर आई हूँ। अरे इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। अगर मैं उसे ये कहती कि ये सब मैंने यहीं से खरीदा है तो फॉर्मेलिटी लगती, तुझे पता है, इससे बड़ा केयरिंग लगेगा। और गौरव ने मान लिया होगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं? जी हाँ, और बहुत जल्दी मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। क्या प्रोग्रेस है यार, अनबिलीवेबल। मैं तुझे कहती थी ना, आखिर है ना स्मार्ट मूव। सच है। तन मन धन पर कंट्रोल के बाद अब दिल पर कंट्रोल करने में तुम कामयाब हुई। इसके लिए कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स और एक बार फिर से कॉन्ग्रेट्स। एक बात बता, तूने अपनी मम्मी से कहा था ना कि वो उसके लिए अपने हाथों से कुछ बना कर दे? मैंने कहा था, उन्होंने पता है क्या कहा? बॉस को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। माँ को डर है कि बॉस सर पर चढ़ जाएगा। अब उस बेचारी को क्या पता कि ये बेटी तो ऑलरेडी दो कदम आगे चल रही है। पहले गौरव घोड़ी चढ़ेगा और उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ। प्रिया। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई, वो तो माँ का लाडला है। एक बात बता, उसके कुछ लक्षण चेंज हुए या नहीं? कहीं ये ना हो कि शादी के बाद भी मुंह में अंगूठा डाल कर तेरे पीछे पीछे आएगा और कहेगा सुसु आया है। मम्मी मम्मी सुसु आया है, मम्मी मम्मी सुसु आया है। हेलो मिस सृष्टि। हाय, आई थिंक ये आपकी अनएक्सपेक्टेड विजिट है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। नहीं, मैंने ना तो ऐसा सोचा ना ही किसी से कहा। एनीवेज, तुमसे एक सच बात कहूँ? मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में गौरव जैसा दोस्त हो ना तो गुजारा हो जाएगा, लाइफ टेंशन फ्री होगी। लेकिन फिर तुमने मेरे होश उड़ा दिए। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेरा तो पत्ता ही काट दिया तुमने। फिर मैंने भी सोचा कि ये छोटी मोटी हेरा फेरी और उधारी वाले काम छोड़कर कुछ सच्चा काम करूं दिल से। और आज मैंने अपना बिजनेस खोला है एंड इट्स डूइंग क्वाइट वेल। गुड, मैं बहुत खुश हूं कि आपने सही कदम उठाया। एनीवे, I must congratulate you. And I must thank you. Oh. क्योंकि इसके पीछे आपका हाथ है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, but anyways, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक काम जरूर कर सकती हो तुम मेरे लिए। mm-hmm. बस अपनी जैसी एक अच्छी ईमानदार सेक्रेटरी ढूंढ के दे दो, मेरा भी बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा। डोंट वरी, मुझे आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, फिर देखती हूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक शर्त है सृष्टि, बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए। सिंपल, स्वीट, सेक्सी एंड सॉलिड, 4S। ओ राम जी मेरा पिया घर आ। ये लो, पिया तो आया नहीं, प्रिया मैडम आ गई। क्यों ना हम अब अपना बॉस चेंज कर लें? बॉस चेंज कर ले? क्या मतलब है तेरा? तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले और मैं तेरी। तुझे नहीं पसंद है तो जाने दे। लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ बता तो सही। मेरी कंपनी का नया बॉस, एक महीना नहीं हुआ उसे कंपनी ज्वाइन किए, आज उसने कंपनी की पॉलिसी डिक्लेयर की है। कहता है 5 साल में कंपनी की बिजनेस को 3 गुना बढ़ाओ, कस्टमर बेस बढ़ाओ, जिसके लिए क्लाइंट के साथ लेट नाइट मीटिंग, एंटरटेन करो, यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस, आई वांट रिजल्ट्स, 24 घंटे काम करो, जिसे मंजूर है वो डिमांड करे और जिसे नहीं वो रिजाइन कर दे। तो फिर तूने क्या किया? करती क्या, मैंने रिजाइन कर दिया। तू मेरे लिए कुछ कर सकती है क्या? शायद कुछ कर सकती हूँ। देख, मैंने तेरे को विनय के बारे में बताया। हाँ? था ना, उसे भी एक तेरे जैसी पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है। कोशिश कर, उसकी शादी भी नहीं हुई है।
हाय सर, आई एम प्रिया, मुझे सृष्टि ने भेजा है पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए। यकीन ही नहीं होता। नहीं 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 नहीं, यहाँ मत बैठिए, यहाँ मत बैठिए। आप ये चेयर जर्मनी से है, ये लंदन से है, ये इंडिया से है। आप कहाँ बैठना चाहेंगे? इंडिया। आइए प्लीज। तो प्रिया जी, आप फ्रेश हैं? क्या सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो फ्रेश होकर आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप, मेरा मतलब है आप फ्रेश हैं या एक्सपीरियंस्ड? ओह, ऑफ कोर्स आई एम एक्सपीरियंस्ड, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये देखिए मेरे सर्टिफिकेट्स। वेरी गुड, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। एनीवेज, प्रिया जी, आप मेरे यहाँ सेक्रेटरी बनने आई हैं। आपको पता तो होगा ना कि सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? ऑफ कोर्स पता है, ऑर्गेनाइजिंग ट्रैवल टिकट्स, होटल बुकिंग्स एक्सेट्रा। होटल बुकिंग? क्यों क्यों, आप कभी बिजनेस टूर के लिए आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन टूर पर नहीं जाते? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी? हाँ, वो बिजनेस टूर ये सब नॉट माय थिंग, मैं नहीं करता। ओह आई सी, पर सैलरी तो मैं पूरी लूंगी। कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी? 50,000। 50,000? प्रिया जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। सो व्हाट? प्रिया जी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो पर्सनल सेक्रेटरी भी पेड़ पे नहीं उगती, लाखों रुपए का कोर्स करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप कब से ज्वाइन करेंगी? कल से? नहीं, मैं नेक्स्ट वीक से आऊंगी। नेक्स्ट वीक से? कल से क्यों नहीं? ओके, तो मैं कल से आ जाऊंगी। फैंटास्टिक। बाय, सी यू। बाय। ओहो सृष्टि, क्या सुपर हॉट सेक्रेटरी भेजी है मेरे लिए। शी इज आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। 50,000? ये तूने क्या कर दिया? 50,000 कहाँ से देगा उसे? कोई बात नहीं, 50,000 कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। एक तो महीने के लिए रख ले, टाइम पास कर ले। बिजनेस टूर, वर्ल्ड टूर, होटल बुकिंग्स, प्रिया और मैं। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। देखो पल पल पर से है चाहती।
हाय सृष्टि। हाय सिद्धार्थ। यहाँ क्या हाल चाल? फाइन, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, बताया भी नहीं, बस यू ही। बाय द वे, नाइस ऑफिस है। गुड, थैंक यू। हैव अ सीट। या। और अम्मा कैसी हैं? अम्मा मिलकर तो जरूर आए होगे। अम्मा अच्छी है। तुमसे एक बात कहनी थी, एक खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। क्या? मेरी नौकरी लग गई है मुंबई में। क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड। सीरियसली? या सीरियसली। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय गौरव। इतनी खुशी किस बात की मनाई जा रही है? एक्चुअली यू नो दिस इज माय होम टाउन फ्रेंड सिद्धार्थ। ओह सिद्धार्थ, हाय गौरव। सिद्धार्थ, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। तो इस बात की इतनी खुशी है? नहीं नहीं, इनकी जॉब लगी है मुंबई में। ओह कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड। थैंक्स। होम टाउन फ्रेंड ना? या। आई एम श्योर तुम्हें बहुत बातें करनी होंगी, तो तुम कंटिन्यू करो। आई विल सी यू इन सम टाइम। और हां, 2 बजे के बाद मिस्टर खन्ना आ रहे हैं, तो वो फाइल जब सिद्धार्थ को अटेंड कर लो तो दे देना। या या, श्योर 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 करो। बाय बाय, थैंक यू। हाय मिस्टर विनय, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। कहो ना। मुझे इस ऑफिस में 2 हफ्ते हो गए हैं, पर यहाँ सारा दिन बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। करने को कुछ काम ही नहीं है, और ऊपर से मेरे कैबिन में तो मक्खियाँ भी नहीं बची हैं मारने के लिए। आप तो निकल जाते हो अपने बिजनेस मीटिंग में, या फिर लगे रहते हो अपने फोन कॉल्स में, और ऊपर से आपका वो प्यून वो सारा दिन बैठ के मुझे घूरता रहता है। कौन? रामपाल? उसकी ये मजाल। रामपाल! हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? रामपाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम पूरा दिन बैठकर मैडम को घूरते रहते हो? इस बात की पकड़ देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ? नहीं सर, ये काम तो मैं फ्री में करता हूँ। अबे तेरी तो बॉस के साथ मजाक करता है। हाँ? सर आपको ये मजाक लगता है सर, तो मुझे इस काम के पैसे दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रामपाल मर जाएगा मेरे हाथों। साले दफा हो जाए यहाँ से, कान कन से दूंगा खींच के, चल भाग यहाँ से। इडियट, डडी फूल। सर आप इसे क्यों डांट रहे हैं? अगर इसके पास कोई काम होता तो ये थोड़े ना करता। तो तुम ही बताओ ना, क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं? आई फील वेस्टेड। आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। अब एक काम करता हूँ, कल से ना तुम्हें अपने साथ बिजनेस मीटिंग्स पे ले चलता हूँ। वैसे भी ना मुझे तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। यू रियली लाइक माई कंपनी। आई लव इट। Oh my God! अरे अरे मेरे मुन्ना, आज तुमने मुझे फोन किया? सुनो, तुम घर पे ही हो ना? हाँ बाबा, घर पर ही हूँ और ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। अरे वाह, ये खास मेहरबानी किस लिए? कुछ खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि तुमने एंगेजमेंट की बात की, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग क्यों है? ये क्या कोई मेरे अकेले की एंगेजमेंट है? आपकी नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, तुम सचमुच एंगेजमेंट करना चाहती हो? बोलो सचमुच। हाँ। यस। अच्छा तो ऐसा करते हैं, आज से 10 दिन बाद सुबह एंगेजमेंट और शाम को शादी, डन। हाँ? हाँ, तुम ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी से बात करने मैंगलोर चली जाओ, और मैं, ओ मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ना पंजाब जाना पड़ेगा, वहाँ मेरे अंकल हैं, उनका शादी में होना बहुत जरूरी है, और खुद जाकर इन्वाइट करूंगा ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, कल पंजाब निकल जाता हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, और मैं 2-3 दिन? हाँ। मेरा मन कैसे लगेगा? हाँ तो तुम भी मैंगलोर चले जाओ मम्मी के पास। गुड आइडिया, लेकिन अगर हम दोनों ऑफिस से चले गए तो ऑफिस को कौन संभालेगा? एक काम करते हैं, आप पंजाब से यहाँ आ जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। ओके। मे आई कम इन? ओह या कम इन। हाय, मे आई हेल्प यू? हाय, आई एम कुमार, आई एम फ्रॉम साजन फर्मा लिमिटेड, दिस इज माय कार्ड। ओके, व्हाई डोंट यू सिट सर? थैंक यू। या, मुझे मिस्टर गौरव से मिलना है। ओ आई एम सॉरी सर, वो तो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। मिस सृष्टि, ऐसा है, आप तो जानती हैं कि हमारी कंपनी आपके साथ रेगुलरली डील करती है। या आई नो, और ईयरली रिक्वायरमेंट ऑर्डर आज शाम तक ही देना है। ओके। इस ऑर्डर के ऊपर मैं इस बार 2.5% कमीशन चार्ज करूंगा। 2.5% कमीशन? धीरे बोलिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल है।
ओके ओके, गॉट इट। अगर आज शाम तक आप मुझे ये रकम, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? I have no idea. मुझे अकाउंट्स पे बात करनी पड़ेगी। जरूर जरूर कीजिए, और जब आपकी तैयारी हो जाए, मेरा कार्ड आपके पास है, मुझे एक फोन कर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे ये कैश देने आए। कहाँ मिलना है वो मैं आपको फोन पे बताऊंगा। So, see you in the evening. Excuse me, अगर शाम तक नहीं पहुंच पाया तो मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा और आपके कॉम्पिटिटर को ये ऑर्डर दे दूंगा। वैसे भी वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। So, make sure. Miss Shrishti, you are very, very pretty and intelligent too. And I know you can't afford to lose this order. Hello, Gaurav. Hi, Shrishti. How are you? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं बस तुम्हें करने ही वाली थी। वो साजन फार्मा से मिस्टर कुमार आए थे, कुछ ऑर्डर और कुछ कमीशन की बात कर रहे थे। साजन फार्मा? हाँ, हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं ये, और मिस्टर कुमार ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। कमीशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना? देखो, किसी भी हालत में हमें ये ऑर्डर लूज नहीं करना चाहिए। आई गॉट इट। एक आइडिया है, अगर तुम कहो तो मैं विनय से बात कर लूँ। हाँ, गुड आइडिया, उससे बात करो ना। ऑलराइट, एज यू से। सो मेरा सोना पुत्र क्या कर रहा है? मैं हाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? जो भी कर रही हो तुम कर रही हो, अब तुम भी कुछ करो। फिलहाल मुझे कुछ कैश की जरूरत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें कैश क्यों चाहिए? जरूर बताऊंगी, पहले तुम वादा करो कि तुम खुशी खुशी दे दोगे। ओके, आई प्रॉमिस। एक्चुअली क्या है ना कि सृष्टि को कुछ जरूरी पेमेंट करनी है और गौरव आउट ऑफ टाउन है। कितना कैश चाहिए? 2,00,000 रुपए। मेरे पास नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरा कैश मत लो प्लीज। जान तो मैं तुम्हारी ले ही लूंगी, फिलहाल मुझे सिर्फ कैश चाहिए। जरूरी है? जरूरी है। नाउ गिव मी द कीज टू द सेफ। ये लो। हाय मेरा हीरा पुत्र, मैं सद के जावा किसी की नजर ना लगे। ये तो दया की देवी बन जाएगी और मेरा दिवाला निकाल कर रहेगी। सृष्टि किसी न किसी तरह गौरव का पैसा निकाल कर रहेगी। ओह गॉड, मैंने ये झंझट क्यों पाल लिया? गुड, लगता तो यह जैसे तुम कंपनी की बॉस हो। विनय, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ओके, आई एम सिद्धार्थ, ग्लैड टू मीट यू। विनय, ये सिद्धार्थ है, सृष्टि का फ्रेंड, मैंगलोर से आया है। सृष्टि का बॉयफ्रेंड? मतलब फ्रेंड यहाँ? एक्चुअली सृष्टि तो सेट हो गई है, पर मैं तो फ्री हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि आई विल टेक अ चांस। क्या कहा? मैंने कहा कि सृष्टि को जो कैश भेजना था वो सिद्धार्थ ले जाएगा। जरूर, जरा संभाल के, बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए। डोंट वरी, इसे मैं अपना ही पैसा समझूंगा। बिल्कुल। सो आई थिंक आई शुड लीव। ओके, बाय सिद्धार्थ। बाय बाय, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। ओके, श्योर, कम। एक्सक्यूज मी।
साला कमीना, इसकी गर्लफ्रेंड तो गौरव ले गया, अब ये साला मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड और मेरा कैश दोनों को अपना समझ के ले जा रहा है। यानी मेरी अर्निंग और मेरी सेविंग दोनों जा रही है। हिट फॉर टाइम। कौन बोला रे? हाँ? वो रही। हाय। ओह हाय। हाउ आर यू? फाइन। हाय सिस्टी। हाय। यू गॉट द कैश? या। गुड। सिट। ओह सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो। या। थैंक यू। थैंक यू। हाँ। तो मैं अभी कुमार को फोन लगा लेती हूँ। ओके। By the way, it's nice, yeah. Perfect place. हेलो मिस्टर कुमार। हाँ मेरे पास पैसे आ गए हैं, मुझे कहाँ मिलना आपसे? आपके जो पीछे वाली विंडो है मैं वहीं पर हूँ। ओके। तो हाय मिस्टर कुमार, सृष्टि, आपने ये जो पैसे मंगवाए थे, आपको मैंने अकेले आने के लिए कहा था, आप तो अपने बॉडीगार्ड साथ में लेकर आई। क्या लगता है आपको कि इनसिक्योरिटी सिर्फ आपको हो सकती है? कमीशन लेने वाले की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। एनीवेज, आप अपना ऑर्डर कल ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आइए आइए, आप इसे मिलने का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज तुम मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मैं कुछ सोच रहा था। क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और सृष्टि, ये सब इन दोनों की मिलीभगत है ना? सब कुछ गौरव के एब्सेंस में हुआ, और वो जिसने 2,00,000 रुपए लिए थे, क्या नाम था उसका? कुमार। कुमार, ये कुमार भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है, राइट? तुम्हारा मतलब है कि कुमार ने सृष्टि और सिद्धार्थ से मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया है? जैसे कभी कभी तुम मुझे बेवकूफ बनाती हो। मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? समझ नहीं आता, सेक्रेटरी तुम मेरी हो लेकिन काम उनके लिए करती हो। अरे तुमसे अच्छी तो सृष्टि है, कम से कम गौरव की लॉयल तो है। जाओ जाके उसे ट्रेनिंग लेकर आओ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे सृष्टि से कंपेयर कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि सृष्टि को मैंने ट्रेन किया है, और अब तुम मुझे सृष्टि से ट्रेनिंग लेने के लिए कह रहे हो जिसको मैंने ट्रेन किया है? अरे कैसी ट्रेनिंग? यही कि बॉस की कमजोरी का फायदा उठाओ, और फिर जब वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो उसे शादी कर लो। ओह आई सी, तो तुम्हारा भी यही प्लान था? प्लान? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे पास है ही क्या? तुमसे अच्छा तो गौरव है क्योंकि वो तुमसे एक बेटर बिजनेसमैन है और कई गुना ज्यादा अमीर भी। सृष्टि लकी है कि उसे गौरव जैसा बॉस मिला है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? अब समझ में आया। पता है, तुम दोनों एक जैसी हो, बहुत स्मार्ट और शातिर। बड़ा अच्छा प्लान बनाया, एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लेंगे और फिर एक अमीर लड़के से शादी करेंगे। और तुम्हें तो पता है, बॉस से ज्यादा सॉफ्ट टारगेट तो कोई होता ही नहीं है। सृष्टि भी ना बहुत ही समझदार लड़की है। अब मुझे समझ आया, गौरव से शादी करके उसका सारा माल हड़प कर सिद्धार्थ के साथ भाग जाएगी। तुम फ्रॉड हो, इसका ये मतलब नहीं कि सारे फ्रॉड हैं। तुमने गौरव का फायदा उठाया, सृष्टि ने सिर्फ गौरव को तुमसे बचाया। लेकिन अब प्लान में चेंज है, क्योंकि मैं गौरव को सृष्टि से बचाऊंगा। वाओ गौरव मेरे भाई, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। डू यू माइंड इट्स अ पर्सनल कॉल? यार गौरव, गौरव तेरी बहुत चिंता हो रही है मुझे। कहाँ है तू? मैं तो ऑफिस में ही हूँ। अच्छा सुन, मैंने तुझे फोन किया थैंक यू कहने के लिए, तूने मेरी एब्सेंस में मदद की इसलिए। यार
कैसी बातें कर रहा है? तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। तूने हमेशा मेरी मदद की, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? अच्छा सुन गौरव यार, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो ऑफिस आ जाना। तू रुक, मैं अभी आया। हाँ सृष्टि, विनय, इतने दिनों बाद, कैसा है? फर्स्ट क्लास। अरे नहीं यार, एहसास हो गया है मुझे कि ये उम्र लॉलीपॉप चूसने की नहीं है। पता नहीं यार, सृष्टि ने तुझे किन किन चीजों से मना किया है? क्या? कुछ नहीं, खैर छोड़ ये सब। बिजनेस कैसा है? गुड यार, बैठ ना, बैठ के बातें करते हैं। कुछ लेगा? नहीं। बिजनेस यार काफी अच्छा चल रहा है, सृष्टि ने काफी अच्छा संभाल लिया। अरे हाँ, सुनने में आया तो अपनी सेक्रेटरी से शादी कर रहा है। करेक्ट, मैं और सृष्टि शादी कर रहे हैं। यार ऐसी क्या मजबूरी हो गई? तू चाहे तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, फिर अपनी सेक्रेटरी से ही क्यों? वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है। I just can't wait for the day. और देखा जाए तो बहुत सुंदर भी है ना? हाँ यार, सुंदर तो है और खूबसूरत बला है। मतलब? I mean, तेरा कितना अच्छा ख्याल रखती है, तेरे लिए लंच सर्व करती है, अपने हाथों से खिलाती है कि खा ले मेरे मुन्ना, खा ले मुन्ना, कह कह के सब कुछ कर जाती है। हाँ लेकिन ये सब तुझे कैसे पता है? क्योंकि जो मेरी सेक्रेटरी है ना प्रिया, वो तेरी सेक्रेटरी सृष्टि की बहुत अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट दोनों रूममेट हैं। और प्रिया ने सृष्टि को स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी है। कैसी ट्रेनिंग? जो तेरी कमजोरी है ना, तेरा बचपना, उसको हथियार बनाने की। ये सब दोनों का प्लान है। कैसा प्लान? जो सृष्टि है ना, वो तुझसे शादी करके तेरा सारा माल हड़प लेगी और अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ भाग जाएगी। सिद्धार्थ सृष्टि का बॉयफ्रेंड है? मुन्ना तू मुझे बता, कुमार तेरे एब्सेंस में क्यों कमीशन मांगने आया? क्यों आया? क्योंकि मौका सही था और सृष्टि ने मौके का फायदा उठाया। यार जहां तक मुझे लगता है ना, ये कुमार और सिद्धार्थ एक ही है और इसके पीछे मास्टर माइंड है सृष्टि। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि सृष्टि ने तेरे से कुछ डॉक्यूमेंट या कोई पेपर तो साइन नहीं करा लिया। अंकल की सारी मेहनत जाएगी, तू रोड पे आ जाएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, कभी सोचा है? सबसे ज्यादा टेंशन तो इस बात की है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बचपन के दोस्त हैं यार, मेरा घर तेरा घर है, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसने ऐसा कुछ ना किया हो। मुन्ना मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं। हाँ बाय मुन्ना, तो अभी भी बहुत बच्चा है, सोच समझ के काम किया कर, आगे क्या करना है ये तुझे पता होना चाहिए। ठीक है। अरे विनय, यहाँ गौरव से मिलके आ रहे हो? हाँ। लगता है फिर से दोस्ती हो गई। हाँ, सब आप ही की वजह से। नहीं विनय, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते ना, तो सी हमें ये ऑर्डर नहीं मिलता। हाँ। थैंक्स। अब एनीवे, प्रिया कैसी है? गुड। आई होप शी इज डूइंग गुड। वेरी गुड। ओके बाय बाय, मुझे जल्दी अंदर जाना, गौरव को खुशखबरी सुनानी है। बाय बाय। सृष्टि या
Oh. Best of luck. Oh, thank you. Bye. So sweet. काश तुमने रिकवरी की धमकी ना दी होती। रवि। जी सर। कैसा है तू? ठीक हूँ। ये क्या है? छोटा रिचार्ज। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। एक अर्जेंट कॉल करना है। फोन देना। थैंक्स। हेलो। हेलो गौरव। कुमार बोल रहा हूँ। अरे यार तुम्हारा तोहफा मिला। कैश और ऐश। गजब की सेक्रेटरी है यार तुम्हारी। मजा आ गया। अच्छा बुरा मत मानना, मैंने पैसे उसी को दे दिए। बेचारी गरीब है, उसका फायदा हो जाएगा और आगे भी जाके अगर कभी यू नो व्हाट आई मीन। एनीवेज तुम्हारा ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा। एंड हाँ यार फैंटास्टिक सेक्रेटरी। शाबाश विनय, तेरा जवाब नहीं। गौरव, गौरव, सी एक गुड न्यूज है। आई हैव डन इट। द वैल्यू 1 करोड़। सी ना, बहुत कुछ है ना तुमने इस ऑर्डर के लिए। सब तुम्हारे लिए गौरव। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ इनाम क्या मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी दिलेरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी एक पप्पी और झप्पी चाहिए। क्यों? सिद्धार्थ और कुमार से जो पप्पी और झप्पी मिली थी वो काफी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? सृष्टि, ये है मेरी तरफ से तुम्हारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अरे यार तुम्हारा तोहफा मिला, कैश और ऐश। बुरा मत मानना, मैंने पैसे उसी को दे दिए। सिद्धार्थ और कुमार से जो पप्पी और झप्पी मिली थी वो काफी नहीं है। सृष्टि, समथिंग रॉन्ग? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बोलना क्या हुआ? तूने कहा था ना प्रोटेक्ट बॉस, तो खुद प्रोटेक्ट हो जाएगी। देख ये है प्रोटेक्शन का इनाम। ये क्या हुआ इसको? गौरव ने इसको थप्पड़ मारा है। क्या? ये तूने क्या किया? प्लीज यार अब लेक्चर मत देना, मैंने जो किया ठीक किया। देख मुन्ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने, नौकरी से निकाल देता। हाँ और क्या, मैंगलोर से आई थी इतनी दूर से अपनी माँ को अकेला छोड़कर, तरस आ गया था मुझे, इमोशनल होकर नौकरी दी मैंने उसे। जो इंसान जिंदगी भर अपनी माँ की उंगली पकड़कर चला हो, अपने प्यार और मेहनत से मैंने उसे अपने पैरों पर चलना सिखाया। अच्छी लगने लगी थी मुझे, भरोसा करने लगा था मैं उस पे। पर आज भरोसा टूट गया। पता है उसने क्या कहा? मुझे क्या पता था 2 लाख के लिए अपने आप को उस कुमार के हवाले कर देगी। और कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देके मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। क्या बात कर रहा है? What are you saying?
चल छोड़िए सब, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उसकी इतनी गिरी हुई हरकत। उसकी इस गिरी हुई हरकत को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। सॉरी सृष्टि, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं। यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मैं अपनी सेक्रेटरी प्रिया के चक्कर में पड़ जाता तो मेरा क्या हाल होता। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे। कौन हो तुम? मैं हूँ प्रिया, सृष्टि की गार्डियन। ओ, इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड, राइट? और अगर मैं मास्टरमाइंड हूँ भी तो मेरे पास माइंड तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। देखो वो हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ करने क्या आई हो? मैं यहाँ तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि सृष्टि पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जानने के बाद कि उसने मेरे साथ क्या किया, क्या करता उसकी पूजा, और ये पूछने का तुम्हारा हक क्या है? तुम मुझसे हक की बात मत करना, और रही बात हाथ उठाने की, तो तुम पे तो हाथ मैं उठाऊंगी और हथकड़ी भी तुम्हें मैं ही लगवाऊंगी। और हाँ, मुझसे पंगा लेने की जरूरत तुम मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो देखना अंजाम बहुत बुरा होगा। वेट वेट, मुझे लगता है कि गौरव ये तुम्हारी चाल है, तभी तुम शादी का बहाना करके पंजाब भाग गए, और यहाँ पे तुमने सृष्टि को कुमार के सहारे छोड़ दिया ताकि तुम्हारी 2,00,000 रुपए इससे निकल सके, है ना? यू सेल्फिश बास्टर्ड, हाउ डेयर यू। तुम्हारा काम तो निकल गया, इसलिए तुमने सृष्टि को बेइज्जत करके अपने इस ऑफिस और जिंदगी से बड़े आराम से निकाल दिया। देखो तुम मानो या ना मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ओके? और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? I just don't get this. Now I get it. ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, नहीं? तुम सब कुछ सच सच बताते हो या फिर? देखो मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे ये समय मत इन्वॉल्व करो, मुझे ये सबसे कुछ लेना देना नहीं। उससे क्या पूछ रही हो? तुम्हें मैं खुद कुमार से सुना देता हूँ। यस सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा नाम कुमार है? जी नहीं, मैं रवि हूँ। ये नंबर तुम्हारा है? जी हाँ, मेरा नंबर है। तो तुमने अपना फोन किसी को दिया था? अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। जी विनय जी को मैंने दिया था, उनके मोबाइल की बैटरी डाउन थी और उन्होंने मुझे 10 रुपए भी दिए। तुम जाओ रवि। यस सर। ओ माय गॉड, तुम इतना गिर सकते हो? देख गौरव, गौरव मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहा है। गौरव गौरव गौरव, आई एम सॉरी गौरव 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 गौरव, छोड़ूंगा नहीं मैं, गौरव शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी बकवास और गंदी शक्ल लेके मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। गौरव एक बात बताओ, क्या सृष्टि ने कभी भी अपना पर्सनल सेक्रेटरी का फर्ज ठीक से नहीं निभाया? क्या उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके बगैर नहीं जी सकते, और इसके लिए तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? गौरव जब एक रिलेशन बनता है ना तो उसमें मुसीबतें आती हैं और उनका मिलके सामना करना पड़ता है, और जब भरोसा टूट जाए तो उस रिलेशन का क्या अंजाम? गौरव, भगवान ने तुम दोनों को मौका दिया है कि तुम दोनों ये जान सको
कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो। इस मौके को मत गवाओ। अब तुम बैठ के ये सोचो कि सृष्टि के बिना तुम क्या हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। जैसे बेसुर की ताल बिना होली गुलाल, जैसे बिखरे अरमान किसी बिरहन की तान। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। Being without you just doesn't seem right. खोसी गई है खुशियां कहीं, बेरंग हुए हैं सब रंग हसी, खोसी गई है खुशियां कहीं। जैसे आंखों से नींद, जैसे नींदों से ख्वाब, जैसे दिल से गए सारे एहसास, जैसे ठहरे पल बीते जाते हैं कल, जैसे धुंधला है सब तेरा मेरा अलग है रब। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन मेरा जीवन सनम। कुछ नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में। देखो सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, और क्यों ना हो। उस कमीने विनय पे विश्वास किया जो हर वक्त मुझे धोखा देता रहा, और जिस इंसान ने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया उस पे शक किया। लेकिन मैं तुम्हारा लाडला मुन्ना हूं ना, योर क्यूट लिटिल बॉय, एंड लिटिल बॉयज मेक मिस्टेक्स। आखिर कब तक तुम मिस्टेक्स करते रहोगे? Why don't you grow up? You don't believe who loves you? No, I believe you. And I love you very much. और तुम चाहती हो ना कि मैं बड़ा हो जाऊं, तो बड़े होने में मेरी मदद करो। I really want to grow up. I really do. I don't think so. तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। सृष्टि, एक बार देखो मेरी तरफ। देखो, मैंने तुम्हारा दिया हुआ चोला भी पहन लिया है, और तुम हमेशा कहती थी ना कि मूंछों में अपने पापा की तरह बड़ा और जिम्मेदार लगूंगा। ये भी बहुत पहले लगा लेनी चाहिए थी। लेकिन सच बताऊं तो मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता था। बच्चा बना रहने में मुझे मजा आ रहा था, लेकिन अब मैं बड़ा होना चाहता हूं। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी है ना? ये जो तुमने निशानी दी है, ये तुम्हारा बचपना नहीं था, ये तुम्हारे बड़े होने का सबूत है। लेकिन तुम पर हाथ उठा के मैंने
बहुत बड़ी गलती की है। इस बात की सजा तुम मुझे दो या ना दो, मैं अपने आप को जरूर दूंगा। छोड़ो इसको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। I'm sorry, Shishti. I'm sorry. I really love you. मुझे छोड़े कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम बिना, पहले झापड़, फिर झप्पी। तुम सच में बचे हो। I love you. I love you too. Srishti. Oh, I'm so happy for you. तुमने न सिर्फ गौरव को समझा लेकिन अपने प्यार को पाया। चलो मेरा ना सही, कम से कम तुम्हारा मिशन तो कामयाब हुआ ना। ये मिशन कहाँ था यार, ये तो सबमिशन था। कांग्रेट्स। थैंक्स। उम्मीदें ना पूरी हो तो किस्मत के सहारे छोड़ देना चाहिए, इसी में इनका भला है। आखिर दिल जलाने से क्या फायदा, नई जिंदगी की शुरुआत तो रात से ही होती है। बड़ी होकर वो तेरी ही बेटी की पर्सनल सेक्रेटरी बनेगी। है ना? मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा। मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा। कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे। मम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे ना।